आई थिंक वी शुड स्टार्ट। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर करी जा रही है। हम सब जानते हैं किस तरह से विश्व में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इज़राइल में युद्ध चल रहा है, और जब ऐसा खौफनाक मंजर है तो जो भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे भाई बहन वहां इज़राइल में फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील सरकार, एक मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन अजय के तहत आज जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे, तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। और ये दिखाता है किस तरह से मुश्किल समय में भी अपने नागरिकों के लिए दिन के 24 घंटे कार्य करने की क्षमता, सहनशीलता किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार में है। ये जो ऑपरेशन अजय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हर भारतीय को, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो, एक उम्मीद होती है कि भारत की सरकार और भारत के 140 करोड़ नागरिक हर वो ठोस कदम उठाएंगे जिससे कि वे सुरक्षित भारत वापस आ पाएंगे। और ये ऑपरेशन अजय एक अभूतपूर्व बचाव अभियान था। मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से एक स्पेशल चार्टर जाता है और जो भारतीय नागरिक है 212 वो वापस आते हैं, ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता, प्राथमिकता यही है कि पहले भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं युद्ध की परिस्थितियों में, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज सुबह जब वो आए वापस तो एयरपोर्ट पर राजीव चंद्रशेखर जी, जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो उपस्थित थे और उन्होंने स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद। ये एक भाव था जो हर भारतीय नागरिक के मन में था जो सुरक्षित भारत आया। और ये इसलिए भी है कि हमें समझना होगा, जहां युद्ध चल रहा है वहां परिस्थितियां कैसी हैं, वहां माहौल कैसा है। एक नागरिक है, उनका नाम नहीं ले रहा, हमारी बहन है, उन्होंने कहा, जब मैं इज़राइल की भूमि में थी तो मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपना देश दोबारा देख पाऊंगी या नहीं, अपने परिजनों से मिल पाऊंगी कि नहीं। और आज जब वो भारत की धरती पर आ गई तो उन्होंने पहली बात जो कही, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं।
ये एक बहुत बड़ा भाव है कि आज भारत वो ताकत बन के उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। हम देखते थे एक दशक पहले जिनको विकसित देश कहा जाता है, अमेरिका हो गया, यूके है, ये देश ऑपरेशन चलाते थे और अपने नागरिकों को सुरक्षित युद्ध की जो परिस्थिति थी उससे निकालते थे और साथ में दूसरे देशों के नागरिकों की मदद करते थे। आज बड़ा बदलाव यह आया है कि भारत की मजबूत सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाती है बल्कि जो और देश के नागरिक हैं उनकी भी मदद कोई करता है तो वो भारत करता है। एंड आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन एंड कैरेक्टर ऑफ अ लीडर कम्स टू टेस्ट एंड इज नोन बाय द स्ट्रेंथ, इफेक्टिविटी एंड प्रॉम्प्टनेस बाय विच द गवर्नमेंट एंड द कंट्री रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। दिस इज द मंत्र। मेरे को ये कहते हुए गर्व भी होता है, भारत सरकार ने यह ऑपरेशन अजय चलाया। इससे पहले एक उदाहरण मैं और पेश करता हूं किस तरह की त्वरित कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक नागरिक जो भारत लौटा है, हमारे बीच में अब है, उसने बताया देर रात उसने एक पोर्टल सर्विस की शुरुआत की गई है जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा, उस पर रजिस्टर किया इस उम्मीद से कि कुछ दिनों में मदद आएगी और सुरक्षित वो भारत वापस आ पाएंगे। ये कहते हुए गर्व होता है हर भारतीय को, कुछ घंटे बाद ही इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस नागरिक के पास एक कॉल जाता है और उसे बताया जाता है कि जो अगला विमान सुबह जा रहा है भारत उस पर आपकी सीट आरक्षित है और आप भी भारत वापस जा रहे हैं। कुछ घंटे में जो हमारा भाई, जो बहन ये सोचती थी कि वो सुरक्षित नहीं है, कभी अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाएगी या नहीं, वो आज भारत वापस आ चुके हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये संभव हुआ है तो ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसका मूल मंत्र है नागरिकों का हित सर्वोपरि है, और उसके पीछे 140 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनकी ताकत है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्राथमिकता सही जगह पर है। और इसीलिए जो हमारी एम्बेसी है वो 24 घंटे कार्य कर रही है। मैंने आपको इस पोर्टल का उदाहरण इसलिए दिया कि ऐसे कई और उदाहरण हैं और हर नागरिक को इस तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है कि किस तरह से विदेशी धरती पर भी अगर हमारा कोई अपना फंस गया है तो उसको सुरक्षित लाने का दायित्व किसी का है, तो
तो वो सरकार का है और वो किया जा रहा है। मैं एक तथ्य और आपके समक्ष रखना चाहूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है किस तरह से सोच में परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद 2015 में राहत, ऑपरेशन राहत, करीब 6700 भारतीय नागरिक यमन से वापस लाए गए सुरक्षित। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, ये सूडान में जब युद्ध चल रहा था करीब 160 नागरिक और इसमें दो नेपाली नागरिक भी थे उनको सुरक्षित वापस लाया गया। इसी तरह से 2021 में अफगानिस्तान में हमने देखा किस तरह से युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, 800 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। यूक्रेन में हम सब देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। ऑपरेशन गंगा 22,500 नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया और 2023 में ऑपरेशन कावेरी, और इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, 4,097 लोग वापस आए जिसमें 3,961 भारतीय नागरिक थे और 136 जो थे वो विभिन्न देशों के नागरिक थे। इसीलिए मैंने कहा कि अब समय यह है कि भारत अपने नागरिकों को तो सुरक्षित कर ही रहा है, साथ में विभिन्न देश जो हैं वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत निर्णायक फैसला लेगा, ठोस कदम उठाएगा और उनके नागरिकों को भी अगर संभव होगा तो भारत मदद करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। मैं ये जरूर कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन अजय चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की भी अहम भूमिका इस ऑपरेशन में है। जैसा मैंने बताया, द इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल, वे स्वयं 24 घंटे सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी जो भी जरूरत हो उसकी पूर्ति की जाए। और इसी के साथ इस मंच से, आपके माध्यम से, मैं ये अपील जरूर करना चाहूंगा, जो भारतीय नागरिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं, दैट स्टे काम एंड रिमेन सेफ एंड वी विल इंश्योर दैट ईच वन ऑफ यू रिटर्न्स टू भारत सेफली। दिस इज आवर कमिटमेंट टू यू एंड आई मेक दिस स्टेटमेंट विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। इन टफ टाइम्स वी विल गिव आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टाइम्स मे बी टफ बट भारत इंडिया इज टफर। We will ensure the safety of every citizen who's stuck in the war-torn region. And I would also like to categorically state that each media person, media, the fourth pillar of democracy, that is making us proud by reporting bravely from the war-torn region shows your commitment to reporting every event that affects
the lives of human being and specially of every Indian. Har patrakar ke jazbe ko main salaam karta hu, naman karta hu. Hamare bahut se bhai behan yuddh ki paristhitiyon mein wahan se reporting kar rahe hain. उनके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई शिकन नहीं है. और मैं यही कहूंगा कि भारत को आप पर भी गर्व है. विद दिस आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू कवर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल आर फेलो इंडियंस हु आर स्टक in Israel and the war-torn region know that there is a sensitive government led by Shri Narendra Modi ji that will ensure that from the atrocities committed by the terrorists, the fear that the war sirens generate, they will be brought back to India safely. It is our duty and we are committed to that. Thank you. देखिए भारत वो देश है जो हमेशा से इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा रहा है और आगे भी चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो भारत जो निर्दोष नागरिक हैं जिन पे आतंकवादी हमला किया जा रहा है तो हमेशा निर्दोष नागरिकों के साथ और मानवता के साथ खड़ा रहेगा. और बिल्कुल स्पष्टता से मैं कह दूं ये प्रेस वार्ता आज इस अहम बिंदु पे है कि अगर युद्ध की भी परिस्थितियां हैं तो भी जो भारतीय नागरिक इज़राइल में फंसे हुए हैं भारत का हर नागरिक और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको सुरक्षित वापस भारत लाए. Shri Narendra Modi ji is the tallest leader in the world today and nobody can dispute that. Whenever there is an unprecedented crisis of war or otherwise, all nations look up to Bharat India and to the leadership of Shri Narendra Modi ji, not just for a stand but for a solution. And I must reiterate, even when Shri Narendra Modi ji spoke in United Nations General Assembly a few years back, he had very vociferously raised the issue of terrorism. And two things that resonated with all the leaders of the world are the ones that I will repeat here. One, there is no good terrorism and bad terrorism. Terrorism is terrorism and all countries need to unite to eradicate terrorism from the globe. And second, Bharat yuddh ka nahi buddh ka desh hai. Shanti priya hai Bharat. Bharat har desh ki madad karne ke liye agrani bhumika nibhata hai aur agrasar rehta hai. और ये जो भारत की पहचान है ये पिछले एक दशक से और मजबूत हुई है. मैं समझता हूं ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जी भारत का पक्ष रखते हैं तो वो हर भारतीय की आवाज होनी चाहिए. और आगे और कई मौके आएंगे प्रेस वार्ता में
जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उस पर मैं आपके उत्तर भी दूंगा और मजबूती से दूंगा, लेकिन आज प्रमुखता से जो बात उठाई गई है मैं उसी पे आपका ध्यान केंद्रित करके इतना ही कहूंगा। इस प्रेस वार्ता का सार हर एक नागरिक तक पहुंचे और जो हमारे भाई बहन अभी भी विदेश में फंसे हुए हैं उन तक भी ये मजबूत संदेश पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।